वेल दोस्तों, कल वाला एपिसोड देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि गोली ने तारक मेहता शो को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि कल गोली का शो के अंदर फेयरवेल भी रखा गया था जिसमें कि तारक मेहता शो में काम करने वाले हर एक कलाकार ने गोली के बारे में अपनी जर्नी शेयर की कि कैसे 16 साल से वो गोली के साथ में काम कर रहे हैं और गोली कितना अच्छा एक्टर है और भी कई सारी गोली के बारे में कई सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। बट वही सभी के मन में मात्र एक ही सवाल है कि आखिर गोली ने तारक मेहता शो को छोड़ा क्यों, यानी कि जो शो इंडियन टेलीविज़न में नंबर वन की पोजीशन पर चलता है, जिसकी TRP हमेशा नंबर वन पर रहती है, ऐसे शो को छोड़ने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो आखिरकार गोली ने शो को क्यों छोड़ा? वैलो इस शो को छोड़ने के पीछे का रीज़न गोली का कुछ और नहीं बल्कि यही है कि गोली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए लंदन गए हुए हैं। और वही ये खबर बहुत टाइम पहले सोशल मीडिया पर गोली ने शेयर भी की थी कि गोली अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, क्योंकि गोली का एडमिशन लंदन के एक बहुत अच्छे स्कूल में हो चुका है। और अगर यही रीज़न है कि गोली ने इस शो को छोड़ा है, वैल दोस्तों, गोली की जगह पर शो में एक नए कलाकार ने उनकी जगह तो ले ली है, लेकिन वो गोली जैसी एक्टिंग शायद ही कर पाए एंड फैंस भी गोली के किरदार में इस नए कलाकार को शायद ही एक्सेप्ट कर पाएँ, क्योंकि गोली ने शो के अंदर जो अपनी जगह बनाई है वो किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं है। वैल दोस्तों, अगर बात करें पूरी टप्पू सेना में तो मात्र गोली एक ऐसा एक्टर था जो कि एक अच्छी एक्टिंग एक अच्छी कॉमेडी करता था। अदरवाइज़ तारक मेहता शो में जो भी टप्पू सेना है वो उतनी अच्छी कॉमेडी नहीं कर पाते जितनी अच्छी गोली करता है। एंड शायद ये बात आप लोगों ने भी नोटिस जरूर की होगी कि जब भी स्क्रीन पर जेठालाल और गोली आते हैं तो वो सीन काफ़ी फ़नी होते हैं, जो कि फैंस को बहुत एंटरटेन भी करते हैं। वेल गाइस, पूरी टप्पू सेना इस समय पर चेंज हो चुकी है सिवाय गोगी और पिंकू को छोड़कर। वेल दोस्तों, आपके इस बारे में क्या रिव्यूज़ हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ।